बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरक्षण को लेकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया है। मायावती ने बहुजन समाज के आकर्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नीति पर संदेह जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम श्री मोदी द्वारा आरक्षण पर भी देश को गुमराह करने का प्रयास जारी है कि इसे खत्म नहीं किया जाएगा, जो वास्तव में इनकी एक और जुमलेबाजी है, क्योंकि कांग्रेस की तरह इनके शासनकाल में भी एससी एसटी ओबीसी व आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया है। क्यों? इसके अलावा दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षित लाखों पदों को नहीं भरकर इन अपेक्षित वर्ग के लोगों का हक मारने का काम बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। बीजेपी व पीएम श्री मोदी पहले इसका भी हिसाब किताब दें। सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों व ओबीसी वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षित लाखों पदों को नहीं भरकर सरकार बहुजन समाज के लोगों के प्रति दोहरा रवैया अपना रही है। सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के कारण दलितों का हक मारा जा रहा है। सरकारी नौकरियों में लगातार केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कभी बहुजन समाज के छात्रों का वजीफा बंद करवा दिया जाता है, तो कभी आरक्षण में कोई नई नीति को तैयार कर दिया जाता है, जिसके कारण समाज के लोगों का मनोबल कमजोर करने की साजिश भाजपा के द्वारा लगातार किया जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार पर विपक्ष द्वारा अक्सर आरक्षण को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में आरक्षण को कभी भी खत्म न होने के वादा जनता से किया था। मोदी सरकार ने अपने चुनावी फायदे और दलित वोटरों को लुभाने के लिए यह ऐलान किया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार ही आरक्षण को हटाने की साजिश भीतर ही भीतर रच रही है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर जमकर लताड़ लगाई है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।